हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मिलीबग्स क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जा करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ ध्यान रख कर के घर पर ही आप जो है कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी समय इफ़ेक्ट पड़े तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि गमले के अच्छे से गुड़ाई कर लेनी होती है। अब गुड़ाई क्यों करनी है, ये पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए कि जो इसमें खरपतवार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये खरपतवार है। इस खरपतवार के कारण मिलीबग्स जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गुड़ाई कर देंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से आपको पूरे जो है गमले के आसपास अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी में भी, अगर ध्यान से देखें आप, जैसे कि यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे और इसके आसपास जो है कि ढेर सारे मिलीबग्स लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि अगर आपके पास क्लोरपाइरीफास पाउडर मिल जाए आपको, तो 30 से 50 ग्राम उसकी क्वान्टिटी ले करके इस मिट्टी में मिला देनी है। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी में आपके मिली बग होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा जो उपाय है वो आपको करना क्या है कि जो इस गमले के आसपास जो भी मिट्टी में इस तरीके से घास निकल आई है, जैसे ये देखिए, इस घास पे भी मिली बग है। इस घास पे जो मिली बग हैं, इनको जो है कि निकालने के लिए इस घास को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इस घास को निकालने के बाद आपको करना क्या है, इसको जला देना है, फेंकना नहीं है। फेंकें तो किसी अच्छे पॉलीथीन में बांध करके इसको फेंकें, नहीं तो इसे पूरी तरीके से जला दें। नहीं तो होता क्या है, ये मिलीबग्स, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने नीचे रखा, तो ये मिलीबग बहुत तेज़ी से भागने लगा, तो ये दूसरे प्लांट पर जाएगा और जाने के बाद उसको इफेक्टेड करेगा। देखिए कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। तो इस घास को जो है कि आपको जला देना है या फिर फेंक देना है, जो भी इफेक्टेड घास हुई है मिलीबग के कारण। दोस्तों, चौथा रीज़न ये होता है कि हम ढेर सारे जो है कि सीजनी प्लांट लगाने के लिए बहुत ही शौकीन होते हैं, लेकिन प्लांट लगाने के बाद अगर हम भूल जाते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलीबग का प्रकोप हो जाता है। ये देखिए, ये प्लांट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस पर जो है मिलीबग का प्रकोप बहुत बुरी तरीके से हो गया है। तो हमें करना क्या है कि जब सीजनी फूल या फिर फसलें लगाएँ तो उसको निकाल करके आपको इस प्लांट को जो है निकाल करके अच्छे से जला देना चाहिए या फिर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जब ये दब जाते हैं तो इनका प्रकोप लगभग ख़त्म हो जाता है। तो चौथे स्टेप में आपको करना यही है कि इसको एकदम नीचे से उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद आपको जो है अच्छे से इसको मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों, जो इसके आसपास खरपतवार जमे रहते हैं, जैसे कि ये देखिए घास जमी थी और इस घास में बहुत ही बुरी तरीके से मिलीबग लग चिपके हुए हैं, तो इसको भी आप लोग जो है तोड़ करके मिट्टी में दबा दीजिएगा। ये चौथा स्टेप होगा। दोस्तों, पांचवा विकल्प ये होता है कि ये जो ब्रांच है, जो भी इफेक्टेड ब्रांच है, उस ब्रांच को काट करके, या अगर मान लीजिए मैंने इसको काटा, यहाँ से काटने के बाद इसको जो है बिना हिलाए ही हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर हिलाते हैं तो इसके जो अंडे हैं या फिर इसमें जो मिलीबग चिपके हुए हैं वो जो है नीचे गिरते हैं और फिर से दोबारा फैलने लगते हैं। ये आपका पाँचवा जो है उपाय हो गया। छठवें उपाय में आपको करना क्या है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड लेना है आपको, जैसे कि एरीवा का होता है या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल लेना है, उसका स्प्रे अच्छे से कर सकते हैं आप इस पर। तो अगर कोई इंसेक्टिसाइड लें उस पर, तो थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट या शैम्पू मिला करके उसका स्प्रे रेगुलर अपने इस प्लांट पर करें, तो ये जो है मिलीबग्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यही कुछ थे उपाय जिसकी वजह से आप मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि नीम के पत्तियों से कैसे जो है मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं उसके स्प्रे के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।